आज के वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं। वो स्टोरी है एक मच्छी वाले की कि मच्छी की दुकान थी, वो रोज़ सुबह मच्छी लाता और बेचता, पर हर रोज़ एक बिल्ली वहाँ पे आती और एक मच्छी चुपके से ले जाती है। ये रोज़ का हो गया। तो किसी दिन किसी ने उसे पूछा दुकानदार से कि ये बिल्ली आपकी मच्छी रोज़ ले जाती है, आप उसे भगाते क्यों नहीं हो? तो उसने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने उसे कहा कि क्या पता इस बिल्ली की दुआ से ही मुझे मच्छियाँ मिल रही है, उससे ही मुझे रोज़ी मिल रही है। तो उन्हें बोला वो कैसे? तो उन्होंने बोला कि ये मच्छी दुआ करती हो कि कब इस दुकानदार की मच्छी भरेगी और मैं उसे खाऊंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत उसने जवाब दिया। दोस्तों, इसी खूबसूरत स्टोरी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू अमेजिंग डे विद स्माइल, बिकॉज स्माइल इज़ अ मेडिसिन ऑफ लाइफ। और आज हम आ गए मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें कथीवाड़ जो कि फॉरेस्ट है एरिया है, और यहाँ पे एक वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। तो क्या आप हमारे साथ कथीवाड़ आना चाहते हो? मुझे पता है आप आना ही चाहते हो। आइए दोस्तों, आज हम आए बावरा में और यहाँ उप सरपंच चाय, गुड़ की चाय यहाँ पे मिलती है। तो पहली बार मैं गुड़ की चाय पी रहा हूँ दोस्तों। वाह, क्या बेहतरीन चाय है दोस्तों, गुड़ की चाय। राकेश भाई, आपको कैसी लगी चाय? बढ़िया है चाय, तो मैंने भी पहली बार पी रहा। चॉकलेटी चाय लग रही है, चॉकलेट लग रही है। बर्जर करके एक बर्जर यहाँ लिखा हुआ बोर्ड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन दिख रहा है। सामने एक तालाब है वहाँ पे, और यहाँ पे देखिए चारों ओर ग्रीनरी, और कितनी खूबसूरत है चारों। आप जहाँ भी नजर जाएगी आपको सिर्फ खूबसूरती दिखेगी। देखिए, ये है कुदरती सौंदर्य। और यहाँ मध्य प्रदेश का जो मैं यहाँ पे आया हूँ पहली बार, तो बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। आज तो दिल खुश हो गया, क्यों प्रभात भाई? ना, बहुत सही है ना, थोड़े आगे चलते आगे। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है, बस जो हमारी मंजिल है वो कथीवाड़ है, तो वहाँ पर हमें जाना है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं रुकते हुए एक दो फोटो खिंचवा के जा रहे थे। कथीवाड़ तो आपको मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, और रोड साइड पर तो इतनी खूबसूरती है कि आप क्या दिमाग हैंग हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, ये किसे क्या बोलते हैं इसे, राकेश भाई? साग। साग, हाँ। तो साग पे यहाँ पत्ते, अलग ही तरह के पत्ते कुछ दिखे। तो देखिए, सभी जगह बिल्कुल ही, मैंने पहली बार ऐसा कलर देखा है, ना तो गोल्डन है, ना ग्रीन है, ना ये कौन सा कलर पता नहीं है क्या है। देखिए दोस्तों, ये देखो, हाँ देखिए, कुछ अलग ही है ये। वाह, मैंने तो पहली बार देखा ये, पता नहीं। और सभी जगह और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ डेकोरेशन किया हो, नहीं डेकोरेट किया हो ऐसा लग रहा है कुछ। वाह, क्या बात है। देखिए देखिए देखिए, ऊपर दिखाओ, देखिए 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 दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। हाँ, देखिए क्या बात है। वाह, और देखिए, और देखिए ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चारों ओर पत्ते गिर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ से देखिए कैसा लग रहा है आपको, ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है। कुदरत कितनी खूबसूरत है, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, और हम कथीवाड़ पहुंचने के लिए दाहोद से निकले दोस्तों। मैंने सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत होगा कथीवाड़। हाईली रिकमेंड, एक बार जरूर आई आप जिंदगी में, और अभी राइट टाइम है, सही वक्त है यहाँ पे आने का। और देखिए, आप जहाँ नजर जाएगी वहाँ पे आपको जन्नती दिखेगी, खूबसूरती दिखेगी। तो मैं आज अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आगे और भी जाना है दोस्तों, आइए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, आप चारों ओर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जंगली है, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपके पैर मजबूत है, घुटन मजबूत है, तभी आइएगा, यहाँ पे गाड़ी नहीं जाएगी। क्या बोलते हो, 108 भी नहीं आएगी।
आना है तो ग्रुप में आना। हाँ ग्रुप में आइए, ये बात सही है, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में आइए तो मजा आएगा आपको। खड़ी चढ़ाई है पूरी, सही है ना, हिंदी में खड़ी चढ़ाई बोलते ना। क्या होता दोस्तों, गुजराती और हिंदी मिक्स हो जाती है मेरी और कॉमेडी हो जाती है। सच बात बताता हूँ दोस्तों, ये पूरी खड़ी चढ़ाई है। अगर आपको पैर में प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो तो मत आइए, पूरा सीधा ही आप देख सकते हो। आप नॉर्मल 10 किलोमीटर चलो एंड रतन माने कहीं पे भी, और यहाँ का 1 किलोमीटर एक बराबर है। मेरी तो अभी सांसें फूल गई है दोस्तों, पता नहीं आगे क्या होगा। दोस्तों एक ही परिबल है जो मुझे ऊपर की तरफ खींचे जा रहा है, वो गई यहाँ की खूबसूरती और ये जंगल। एक और बार छुट्टी लगाता हूँ दोस्तों, देखिए ये कांच यहाँ पे, अगर ये सोच लीजिए और मेरे पैरों में लगता तो मेरा क्या होता। तो ऐसे ही चलना होगा, अदरवाइज दोस्तों पहले अभी भी जाओ तो आप चेक कर लो। ये सेट करे से ए भाई यूट्यूबर बनू छे। हमरा बेवने तो देखो छोड़ो छोड़ो YouTube में आ जासे। आई जासे आई जासे बद्दा ना आई जासे। बहुत ही मुश्किल है। देखिए ये पूरा रास्ता एकदम से चढ़ी खड़ी चढ़ाई और उतर भी सीधा ही है, तो बहुत परेशानी होती है उतरने और चढ़ने में। ध्यान से इस तरह से उतरना पड़ता है, इस तरह उतरना पड़ रहा है मुझे। देखिए इस तरह से उल्टे पैर, देखिए इस तरह से उतरना पड़ रहा है मुझे। देखिए इस तरह से मैं उतर रहा हूँ उल्टे पैर। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे बकरी के बच्चे हैं, बकरिया तो बिल्कुल शांत है, ये पहली बार मैंने देखा है। देखिए कितना प्यारा बच्चा है। देखिए दोस्तों ये तो पहली बार ये ऐसा नज़ारा देखने को मिला है सभी जगह। क्या बात है,
दोस्तों, हम कोई भी हमें अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ पे रुक गए फोटो खिंचवाने के लिए। देखिए ऐसा लग रहा है केरला के नहीं, ऐसा लग रहा है साउथ इंडिया में आ गए ऐसा लग रहा है। इतना खूबसूरत मंजर मैंने कहीं पे भी नहीं देखा दोस्तों। देखिए जहाँ आपकी नजर जाएगी वहाँ पे खूबसूरती दिखेगी। वहाँ क्या बात है। आइए दोस्तों, यहाँ पे पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो हम कथीवाड़ पहुँचने के लिए यहाँ पे पहुँचने के लिए दाउट से निकले। और देखिए दोस्तों, वाह क्या बात है। Mm-hmm.